छत्तीसगढ़ के गंडई में पुलिस द्वारा महिलाओं को उनके कानूनी अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ऐसे करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को कम करना है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने महिलाओं को उनके अधिकार व कानून संबंधी जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में बातचीत भी की, साथ ही महिलाओं की समस्याएं भी सुनी। वहीं इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समर्पण अभियान के तहत बुजुर्गों की समस्याएं सुनी व उनकी खैरियत लेकर श्रीफल भेंट किया। कार्यक्रम में गंडई क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार को भी श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं को रक्षा टीम और महिला हेल्पलाइन की जानकारी देते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक से जुड़ने की भी अपील की है। व्हाट्सएप और फेसबुक में जुड़कर समस्याओं को सीधे अवगत कराने की बात कही। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वर्तमान में महिला संबंधी अपराध बहुत बढ़ रहे थे, इसलिए उनके बीच में आकर उनको उनके कानूनी अधिकार बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाने में जाकर स्थानीय महिलाओं से मिलकर उनकी क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे परेशानी है, यह जानकर पुलिस उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकती है, इस संदर्भ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समर्पण अभियान के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार समर्पण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के क्या अधिकार हैं, पुलिस से जुड़कर वह कैसे उन अधिकारों का लाभ ले सकते हैं, इस पर कार्य किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रक्षा टीम की जानकारी देते हुए कहा कि रक्षा टीम एक ऐसी टीम है जो महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निवारण करती है। यदि कोई महिला परेशान है, उसे कोई समस्या है, तो वह हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकती है। गंडई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। घर में ही मतलब बिना मतलब की बात सुनाना, अपना 10 घंटे बाहर है, आप 1 घंटे कहीं बाहर है तो उस पे सुनाना, ठीक है, क्योंकि आपको मायका, ससुराल, बच्चे, घर का काम, बाहर का काम सब आपके जिम्मे। वो क्या करते हैं, आपको कमा के ला के दे दी, पर पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, जिम्मेदारी आपके कंधों पे जाता है। पैसा तो कोई भी कमा के ला कर दे देगा, पर मैनेज करना ये तो आपका काम है ना, कौन करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मजबूत रहें। किसी घर में अगर कोई बच्चा बीमार हुआ, चीज़ें आराम से चलती हैं, आपके सास ससुर बड़े बुजुर्ग कोई बीमार हुए, सब चीज़ अच्छे से चला, पर जिस दिन आप बीमार हो जाए पूरा घर बीमार हो जाता है। खाना कौन बनाएगा, नाश्ता कौन बनाएगा, पानी कौन भरेगा, कोई मेहमान आया तो अटेंड कौन करेगा, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है। आज मैडम आपका गंडई थाना आगमन हुआ कुछ महिलाओं से चर्चा करने के लिए या कुछ कानून की बारीकियाँ इनको बताने आई हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा महिला संबंधी अपराध बढ़ रहे थे, तो इसलिए ये था कि महिलाओं के बीच में आकर उनको उनके कानूनी अधिकार के बारे में, उनसे संरक्षण जो अधिनियम, उनकी जानकारी दी जाए। तो सब डिवीज़न वाइज ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं कि थाने में जाकर थाने में जो महिलाएं हैं उस क्षेत्र की, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकती हैं पुलिस से मिलकर, ये सब एक छोटी मोटी जानकारी महिलाओं को देना था। इस संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी बीच पुलिस मुख्यालय से भी लगातार महिला संबंधी अपराध को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, तो उसी तारतम्य ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। इसके आगे और क्या कार्यक्रम है? इसके अलावा एक समर्पण अभियान भी पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन हैं उनके क्या अधिकार हैं, वो पुलिस से जुड़कर कैसे उन अधिकारों का लाभ ले सकते हैं, अगर उनकी कोई समस्या है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, कहीं पे हेल्थ संबंधी इश्यू है, तो पुलिस उनको भी निराकृत करेगी अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से। ये भी कार्यक्रम हमने एक छोटा सा आज गंडई थाने में आयोजित किया। ये अभियान जो आज जिस अभियान के साथ है उसका नाम क्या है और उद्देश्य क्या है? एक जो बुजुर्गों से रिलेटेड वो समर्पण अभियान है और महिलाओं के लिए जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं वो है स्वावलंबन से स्वाभिमान की ओर, जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, कानूनी रूप से सशक्त होंगी, और जब आर्थिक सशक्त होंगी तो ऑटोमेटिकली उनमें स्वावलंबन अपने आप आ जाएगा। मैं टीम रक्षा का बैनर लगाया जी, रक्षा टीम एक ऐसी टीम है जिसका जो सोर्स टाइम है वो 15 मिनट्स का है। अगर कोई महिला कहीं परेशान है, उसे कोई समस्या है, अगर वो हमारे टोल फ्री नंबर से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है तो 15 मिनट के अंदर उन्हें सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी महिलाओं को एक चीज़ आप बता रही थी व्हाट्सएप से जोड़ने का जी, ये क्या है?
एक्चुअली ये है कि आज इन महिलाओं के बीच में आए हैं, तो आज तो मैं आकर चली जाऊंगी, पर ये मुझसे आगे भी जुड़ी रहे, इसलिए आवश्यक था कि एक ग्रुप बनाया जाए और इनकी कोई समस्या होती है अगर वो उस ग्रुप में शेयर करती हैं या मुझे कॉल करती हैं तो वो जानकारी डायरेक्ट मुझ तक पहुँचेगी, केवल थाना क्षेत्र तक नहीं रहेगी। अपना नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.